मैंने स्वार्थी राजनीति का रास्ता नहीं चुना। मोदी की बदनामी होगी तो होगी, बाद में गालियां पड़ेगी तो पड़ेगी, पहले मैं अर्थव्यवस्था को ठीक करूं, बैंकिंग व्यवस्था को ठीक करूं, इस पर मैंने बल दिया। इस दरमियान ये जितने लोग पैसे ले लेकर के बैठ गए थे, वो पहले तो षड्यंत्र ही था, आज बैंक से ले लो, कर कागज पे जमा करो, कागज पे ले लो, रुपये मौज करो, ये सब बंद हुआ। बंद हुआ तो ये हमारे एक्शन थे जिसके कारण उनको भागना पड़ा। और ये सारे लोग इस इंतजार में है कि फिर से जिस दिन वो लोग आ जाएंगे वो मौज के साथ वापस आ जाएंगे। अब वो तो गए तो मैं छोड़ूंगा क्या? तो हमने कानून बनाया, दुनिया के किसी भी कोने में उनकी संपत्ति होगी अब भारत सरकार जब्त तो कर सकती है। और आपने देखा होगा विजय माल्या बैंक का कर तो 9,000 करोड़ का था, लेकिन सरकार ने करीब 14,000 करोड़ रुपए की दुनिया भर की उसकी संपत्ति कब्जे की जी। अब उनके लिए परेशानी है कि तो मेरे से डबल ले जा रहा है हर एक का, ये आप जितने भी नाम बोलोगे। दूसरा, क्या इसके पहले लोग भागे नहीं है क्या? देश के रुपये लेकर के भागे नहीं है क्या? पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया है, देश को नाम तक पता नहीं बताया गया है, और ऐसे संख्या बहुत बड़ी है, कोई वापस नहीं आया, किसी ने पैसा नहीं दिया। आज हमने बड़े बड़े धन्ना सेठ बैंकों के रुपये लेकर मौज करते थे, हमने कानून बना दिया दिवालियों वालों के लिए, और आज उस कंपनियां उनके हाथ से चली गई, वो फुटपाथ पर आ गए और प्रॉपर मैनेजमेंट के हाथ में कंपनियां चली गई। तो हमने तो कदम उठाए हैं, ये भागना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम कदम उठा रहे हैं।